हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अभी तक मैं आपसे टेस्ट 3 डिस्कस कर रहा था। टेस्ट 3 में हमने 1 से लेके 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग 51 से लेके 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। मैग्नेथीस वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय ऑप्शन ए डेडोकोटस सेकेंड, ऑप्शन बी सेलेस्कस, ऑप्शन सी डर्मेटस एंड ऑप्शन डी अपोलोडोटस 1। अब इसका आंसर देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी सेलेस्कस। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मैग्नेथीस को किसने भेजा? तो सेलेस्कस ने भेजा था। और मैग्नेथीस के का एक बहुत फेमस किताब है इनकी, जिनका नाम है इंडिका, आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच अमंग द फॉलोइंग मेंशन द डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति? ए मुकुंड उपनिषद, ऑप्शन बी अथर्वेदा, ऑप्शन सी सतपथ ब्राह्मण्स एंड ऑप्शन डी मैत्रेय उपनिषद। डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति मेंशन है मैत्रेय उपनिषद में। वहीं देखें तो अथर्वेद में गोत्र वर्ड का यूज किया गया है, सबसे पहले गोत्र वर्ड वहीं मेंशन हुआ होता है अथर्वेद में। आगे देखें तो सतपथ ब्राह्मण्स में ग्रेट फ्लड का जिक्र किया गया है। तो ये एडिशनल पॉइंट थे, अथर्वेद में गोत्र वर्ड एंड सतपथ ब्राह्मण्स में ग्रेट फ्लड की बात की गई है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। शाकाज वर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल गलत है। शाकाज ने इन्वेड नहीं किया था, सबसे पहले ग्रीक्स ने इन्वेड किया था। आप घटना चक्र उठाएंगे आपको मिल जाएगा ये, सबसे पहले ग्रीक थे आए थे। आगे देखते हैं स्टेटमेंट 2, रुद्रदर्मन फर्स्ट वॉज द मोस्ट फेमस शाका रूलर हु इशू द इंस्क्रिप्शन इन द संस्कृत। बिल्कुल सही है, रुद्रदर्मन ने ही सबसे पहले जो शाका रूलर थे उन्होंने उनके जो इंस्क्रिप्शन थे वो संस्कृत में थे। बट साथ ही साथ आप बात करें रुद्रदर्मन 1 का, तो उनके साथ एक लेक का नाम हमेशा आता है जिसका नाम है सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक को इन्होंने ही रिपेयर करवाया था और इसका एविडेंस हमें मिल जाता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन थे। तो ये एडिशनल पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। इसका आंसर देखो तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज करेक्ट बी। क्वेश्चन 54, हाउ मेनी डायनेस्टीज वर देयर इन विजयनगर किंगडम? विजयनगर में कितनी डायनेस्टीज थी? तो विजयनगर में टोटल 4 डायनेस्टीज थी, जिनका नाम है संगम डायनेस्टी, आगे सुलवा डायनेस्टी, डायनेस्टी 3 का नाम तुलवा डायनेस्टी एंड डायनेस्टी 4th इज अरावेडु डायनेस्टी। तो ये 4 डायनेस्टीज हुआ करती है विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। आगे देखते हैं, बामनी सल्तनत वॉज फाउंड इन, टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो बामनी सल्तनत फाउंड हुआ 1347 सेंचुरी में, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, विजय स्तंभ एट चित्तौर वॉज इरेक्टेड बाई राणा सांगा, ऑप्शन बी हमीर देव चौहान एंड ऑप्शन सी राणा कुंभा एंड ऑप्शन डी इज महाराणा प्रताप। तो ये विजय स्तंभ था, विजय स्तंभ एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ सरंगपुर, किसके बीच में? राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच में। और इस बैटल में राणा कुंभा जीत गए थे और इसी जीत की खुशी में इस विजय स्तंभ को इरेक्ट करवाया गया था। आप ये कह सकते हैं कि ये जो विजय स्तंभ है ये विक्ट्री ऑफ टावर है, जो कि हिंदी में विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, ड्यूरिंग विच सेशन द कांग्रेस रिजोल्यूशन ऑन द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड? नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जो कांग्रेस ने अडॉप्ट किया वो कौन से सेशन में किया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था वो, कराची का सेशन हुआ कर था। और इस कराची के सेशन में ही दो चीज़ों पर रिजोल्यूशन पास हुआ था, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स पे तो हुआ ही था, साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स की भी बात की गई थी यहाँ पे। आप देख लेना एक बार इस पे, कराची सेशन के बारे में एडिशनल पढ़ लेना आप। क्वेश्चन नंबर 58, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कैबिनेट मिशन, सिमला कॉन्फ्रेंस, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन बाय कांग्रेस एंड ऑप्शन 4 इज क्रिप्स मिशन। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप लगाओगे इसका इसको तो इसका आंसर हो जाएगा ए 4321। कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन आया मार्च 1942 में, वहीं क्विट
क्विट इंडिया मूवमेंट, सॉरी क्रिप्स मिशन आया था, कैबिनेट मिशन 46 के आसपास किया, 45 के आसपास आया था, ठीक। क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में, और वहीं क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जो पास हुआ वो पास हुआ था जुलाई 1942 में। तो 4321 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 इजी क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन कॉल्ड महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन किसने बोला था महात्मा गांधी को, आप लोगों को पता होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ट्राइड इन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस आप लोगों को पता होगा, तो अलीपुर ये मुजफ्फरपुर जो बिहार का जो रीजन है वहाँ पे मुजफ्फरपुर है, तो वहीं पे ये एक्सीडेंट हुआ था। और इसमें क्या था कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की जो ये दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने किंग्स फोर्ट के ऊपर बॉम्ब अटैक किया था, बट डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वहाँ पे किंग्स फोर्ट ना होके एक वुमेन थी वो एक्सपायर कर गई थी, उनके ऊपर बॉम्ब अटैक हो गया था। बहुत ही दुखद ही न्यूज़ थी वो। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि हु वॉज ट्राइड इन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, तो इसका आंसर हो जाएगा अरबिंदो घोष, ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज बीन रीनेम्ड एज, इजी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू कंस्ट्रक्ट सेतु डैम, सेतु डैम हमेशा न्यूज में रहा, और साथ ही साथ जितने भी टेस्ट सीरीज होंगे देखना आप उनमें मैक्सिमम में ये क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो ये अफगानिस्तान में बन रहा है काबुल सिटी के आसपास, और यहाँ पे क्या रहेगा कि इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो काबुल सिटी को ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो टूरिज्म है उसको भी बूस्टअप मिलेगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इन नवंबर 2020 इंडिया बिकम द फोर्थ कंट्री इन अ वर्ल्ड टू हैव इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिकॉग्नाइज बाई IMO, विच ऑफ अमंग द फॉरिन कंट्रीज नॉट अमंग द थ्री कंट्रीज डैट हैव नेविगेशन सिस्टम रिकॉग्नाइज बाई IMO। आप USA का GPS के बारे में जानते होंगे, USA का GPS है, वही चाइना का अगर नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो उनका है बेडू, और रशिया का ग्लानोस, तो इन तीनों का तो आपको पता होगा, बट जापान का आपने कभी सुना ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जापान। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैज पास द रिजोल्यूशन टू सेंड अ सेंटर अ लेटर टू रिकॉग्नाइज सारन रिलीजन एंड इंक्लूड इन अ सेपरेट कोड इन अ सेंसस ऑफ 2021। सारन रिलीजन जो है ये झारखंड का है, और ये जो लोग हैं ये नेचर की वर्कशिप करते हैं, इस रिलीजन के लोग नेचर की वर्कशिप करते हैं और नेचर के बहुत करीब होते हैं, नेचर के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। साथ ही साथ इनका पॉपुलेशन देखोगे तो पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रहा है, तो इसलिए इनको अलग से रिकॉग्निशन देने के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने ये लेटर इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विद द रेफरेंस टू UP अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1, इट मेक्स रिलीजियस कन्वर्जन फॉर मैरिज बेलेबल ऑफेंस एंड ओनर्स विल बी ऑन द डिफेंड टू प्रूव दैट कन्वर्जन वॉज नॉट फॉर मैरिज। तो ये जो बेलेबल ऑफेंस बताया गया है ये बेलेबल ऑफेंस नहीं है, इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। आगे देखते हैं। एन एडवांस डिक्लेरेशन टू बी गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर द रिलीजियस कन्वर्जन इज 2 months बाय द कन्वर्टर, तो ये गलत हो जाएगा, 2 months की बात नहीं की गई है यहाँ पे, 1 month एडवांस नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, बताना पड़ेगा 1 महीने पहले ही, ना कि 2 महीने पहले। तो दोनों अगर देखें तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 65 का डी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, चंद्रगुप्त सेकेंड स्टार्टेड द गुप्ता एरा इन 319 BC, तो ये गलत हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकेंड ने स्टार्ट नहीं किया था, बल्कि 1319 BC में तो गुप्ता संवत स्टार्ट हुआ था, ठीक।
आगे देखते हैं, हरिसेना वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, हरिसेना इज द कोर्ट पोएट ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट नहीं हो के यहाँ पे समुद्रगुप्त हो जाएगा, ना कि चंद्रगुप्त, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर होगा डी, नाइदर वन नाइदर टू। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर द पुष्यभीत्स रोज द प्रोमिनेंस विद देयर कैपिटल एट पाटलिपुत्र। स्टेटमेंट टू, हर्षवर्धन बिलोंग टू पुष्यमित्र डायनेस्टी। बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन पुष्यमित्र डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक। बट यहाँ पे जो कैपिटल की बात की है कि इनका कैपिटल हुआ करता था पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र न होके हरियाणा में थानेश्वर जगह है वहाँ पे उनका कैपिटल हुआ करता था, न कि पाटलिपुत्र में। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, ओनली टू। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब, अशोका के बारे में बात हो रही है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब हिज मैसेज ऑन द स्टोन सर्फेस। बिल्कुल सही है, मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर इन अ प्राकृत लैंग्वेज, ये भी बात सही है। साथ ही साथ जो मेडोली इंस्क्रिप्शंस है, मेडोली का जो आयरन पिलर है उस पर भी अशोका के बारे में, अशोका का जो किंगडम था उसके बारे में बताया गया है। तो देखें अगर तो दोनों इसका आंसर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ वन एंड टू। आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। पहला मुस्लिम रूलर कौन था कश्मीर का, जैन उल अबुद्दीन, मिर्जा हैदर, सिकंदर शाह, शाहमुद्दीन शाह मीर। तो इसका आंसर होगा डी, शाहमुद्दीन शाह मीर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। विच सिटी इज नोन एज सिराज ऑफ इंडिया। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, जौनपुर कई बार क्वेश्चन आ रखा है ये, इसलिए सभी को पता होगा कि जौनपुर इज नोन एज सिराज ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, बाबर फर्स्ट असेंड द थ्रोन एट लाहौर, दिल्ली, फरगना, समरकंद। ये भी आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले कहाँ असेंड किया था, तो फरगना में, जो कि प्रेजेंट डे में अफगानिस्तान में पड़ता है ये। क्वेश्चन नंबर 72। हु अमंग द फॉलोइंग असिनेटेड कर्जन वैली। कर्जन वैली को किसने असिनेट किया था, किसने मारा था, तो इनको मदनलाल ढिंगरा ने मारा था, असिनेट किया था। तो याद रखना है, कर्जन वैली को मदनलाल ढिंगरा ने असिनेट किया था। आगे देखते हैं जिमरन प्लान के बारे में, क्वेश्चन नंबर 73। रिलेटेड टू मिलिटेंट नेशनलिज्म, जिमरन प्लान क्या था, मिलिटेंट नेशनलिज्म से रिलेटेड है। आप गूगल कर लेना या फिर स्पेक्ट्रम खोलोगे तो स्पेक्ट्रम में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा जिमरन प्लान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड इंडिया हाउस इन लंडन। इंडिया हाउस इन लंडन किसने स्टैब्लिश स्टार्ट किया था, तो इंडिया हाउस इन लंडन का अनदर नेम भी हुआ करता था इंडियन होम रूल सोसाइटी। और ये किसने स्टैब्लिश किया था, तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्टैब्लिश किया था। घटना चक्र का एफ स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा आपको इजीली। क्वेश्चन नंबर 75। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस 1916। 1916 का जो सेशन था, लखनऊ सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट था दो पॉइंट से। पहला, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो भी डिवाइड था, डिवीज़न था, वो ख़त्म हो गया था और एक साथ आ गए थे। साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग्स, इनके बीच में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थी, वो भी रिजॉल्व हो गई थी और एक साथ ही इन्होंने रिजोल्यूशन पास किया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये सेशन। और इसको किसने प्रिसाइड किया था, इसको प्रिसाइड किया था एसी मजुमदार ने प्रिसाइड किया था लखनऊ सेशन को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। विद द रेफरेंस टू इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ऑल करेक्ट। रिसेंटली इट अचीव द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ 10 इन अ टॉप 500 मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक। स्टेटमेंट टू, इट वॉज डेवलप्ड ज्वाइंटली विद द सपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो स्टेटमेंट वन आप देखोगे तो स्टेटमेंट वन बिल्कुल गलत हो जाएगा, टॉप 10 में तो शामिल नहीं हुआ, बट यस इसको रैंक दिया गया 63 न कि 10। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट टू बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बी, ओनली टू। क्वेश्चन नंबर 77। आरटी लैम्प की बात हो रही है, आरटी लैम्प के बारे में बताना है। स्टेटमेंट है
आंसर आप देखो सीधा इसका, तो एक टेक्नोलॉजी है फॉर डिटेक्टिंग COVID-19, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं 79 क्वेश्चन नंबर 78, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू पिनाका। स्टेटमेंट वन, इट इज़ अ सर्फेस टू सर्फेस गाइडेड मिसाइल। स्टेटमेंट टू, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो स्टेटमेंट टू बिल्कुल ही गलत है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने नहीं बनाया जबकि DRDO ने बनाया। और वहीं देखे स्टेटमेंट वन, तो स्टेटमेंट वन भी देखो तो सर्फेस टू सर्फेस गाइडेड मिसाइल बिल्कुल भी नहीं है, तो स्टेटमेंट वन भी गलत हो जाएगा। आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि सर्फेस टू सर्फेस गाइडेड मिसाइल बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टेटमेंट हो जाएगा इसका आंसर, आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर वन नाइदर टू, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79, हु हैड रिटन अ बुक अ प्रॉमिस्ड लैंड बुक इज रिटन बाय बराक ओबामा। आंसर डी 79 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, कॉर्पोरेट के बारे में बात हो रही है, इंडिया थाईलैंड के बीच में जो होता है। रिसेंटली द 30th एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल वॉज कंडक्टेड, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं इंडिया थाईलैंड हैव बीन कैरिंग आउट कॉर्पोरेट अलॉन्ग द इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन ट्वाइस, ठीक है, इन ट्वाइस अ ईयर सिंस 2010। तो यहाँ पे बहुत ही माइनर फैक्चुअल चीज़ें हैं कि 2010 में से न स्टार्ट होकर 2005 से कंडक्ट हो रहा है साल में दो बार। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन, आंसर ए, 80 का ए हो जाएगा, 2005 होगा, न कि यहाँ पे 2010 होगा, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस श्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो श्रप सिस्टम किसने डेवलप किया, तो श्रप सिस्टम कुशान लेके आए थे, और इसके अंडर क्या था, जो किंगडम जो था हुआ करता, किंग का जो पूरा किंगडम है उसको प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जाता था अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। तो ये सिस्टम कौन लेके आया, कुशान लेके आए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, टाइटल दक्षिणापति वॉज एज्यूम बाय पांड्या सतवाना चोला एंड मौर्य। तो जो दक्षिणापति जो टाइटल था वो किनको मिला हुआ था, ये मिला हुआ था सतवाना को, ठीक। आगे देखते हैं हु डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। ऑप्शन ए कीर्ति वर्मन फर्स्ट, विक्रमादित्य फर्स्ट, ऑप्शन सी पुलिस्किन सेकंड, एंड ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर आप देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पुलिस्किन सेकंड, डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। और पुलिस्किन जो थे वो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। आगे देख लेते हैं 84 क्वेश्चन नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द आर करेक्ट। स्टेटमेंट वन, द टर्म हिंदू वर डिराइव फ्रॉम ओल्ड पर्शियन वर्ड, ठीक है। स्टेटमेंट टू, टर्क्स रेफर द पीपल्स ईस्ट ऑफ इंडस एज हिंदू एंड द लैंड एज हिंदुस्तान। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बोथ वन एंड टू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, विद द रेफरेंस टू भक्ति मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अलवर सेंट वर वर्कशिपर ऑफ शिवा वाइल नयनर्स वर्कशिपर ऑफ विष्णु। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया गया, ठीक। अलवर्स जो थे वो विष्णु को मानते थे और नयनर्स जो थे वो शिवा को मानते थे, तो ये अपोजिट कर दिया गया। आगे स्टेटमेंट टू को देखो तो नो वुमेन्स सेंट वॉज इन अलवर एंड नयनर भक्ति ट्रेडिशन, तो बिल्कुल गलत है। आप भक्ति मूवमेंट पढ़ोगे, भक्ति मूवमेंट में आप वुमेन्स के बारे में पढ़ोगे तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट अकबर। ही वॉज क्राउंड एट पानीपत एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। तो ये देखो आप, तो यहाँ पे पानीपत में अकबर को क्राउंड नहीं किया गया था, बल्कि कलानौर करके एक जगह थी पंजाब में, वहाँ पे उनको क्राउंड किया गया था। तो ये स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टेटमेंट टू, टू कॉमरेड द विक्ट्री ऑफ गुजरात ही बिल्ट बुलंद दरवाजा। तो ये बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट टू बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा बी ओनली टू।
87 क्वेश्चन नंबर 87 अगस्त डिक्लेरेशन इज अ टर्म रिलेटेड टू मॉलेमेंटो रिफॉर्म मॉन्टेगू चम्सॉल रिफॉर्म क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। तो अगस्त डिक्लेरेशन जो आया वो मॉन्टेगू चम्सॉल रिफॉर्म से रिलेटेड ही था, जस्ट बिकॉज कि जो मॉन्टेगू चम्सॉल रिफॉर्म्स थे उसमें जो कमियां थी उसी को दूर करने के लिए अगस्त डिक्लेरेशन आया था। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉन्टेगू चम्सॉल रिफॉर्म। स्टेटमेंट वन, दीज रिफॉर्म्स डिवाइडेड द सब्जेक्ट इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। स्टेटमेंट टू, द प्रोविजन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज प्रेजेंट इन दीज रिफॉर्म्स। आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी। और पहला वाला तो आप में से बहुतों को पता होगा, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही, लेकिन स्टेटमेंट 2 द प्रोविजन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये कईयों को नहीं पता होगा, इवन मुझे भी नहीं पता था। तो आप अच्छे से पढ़ोगे तब जाके पता लगेगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बात की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। द बुक अनटू दिस लास्ट इंस्पायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स। इजी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 90, विच अमंग द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। ये भी इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका बी, अहमदाबाद मेल स्ट्राइक जो कि हुआ था 1918 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। कीतम लेक ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट। ठीक, द लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द सिटी ऑफ द स्टेट। कीतम लेक, अगर मैं आपको बताऊं कीतम लेक का दूसरा नेम क्या है, सुरसरोवर, तो आप इजली मार दोगे आंसर इसका, आगरा है इसका आंसर होगा, आगरा। कीतम लेक कहाँ सिचुएटेड है, आगरा में है, जिसका अनदर नेम है सुरसरोवर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेसिप्रोकल असेस एग्रीमेंट। स्टेटमेंट वन, द एग्रीमेंट हैज़ बीन साइन बिटवीन द सार्क मेंबर्स। बिल्कुल गलत है, ये एग्रीमेंट सार्क मेंबर्स से रिलेटेड है ही नहीं। ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द जापान गवर्नमेंट एंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। आप ये समझ लो कि ये डिफेंस पैक्ट था, जो उसका मकसद ये सिर्फ इतना ही था कि चाइना का जो डोमिनेंस है साउथ चाइना सी में उसको काउंटर करना है। ठीक, तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू। करेक्ट पूछा है तो इसका आंसर होगा नाइदर वन नॉट टू। इंडियन ओशियन में से इसको कोई मतलब नहीं था, ये गलत दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अब $500 million लोन एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट डेट कनेक्ट्स। आंसर होगा इसका दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, जो मेरठ एक्सप्रेस जो बन रहा है, मेरठ एक्सप्रेस वे उसी के रिलेटेड है। और ये जो लोन लिया गया वो NDB से लोन लिया दिया गया, और NDB की अगर बात करें तो NDB का हेडक्वार्टर कहाँ पे, शंघाई में, याद रखना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में है। आगे देखते हैं 94। दी प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ विच वन एमोंग द फॉरेन कंट्रीज ग्रांटेड इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवने ओनली रैंक ऑफ जनरल इन द आर्मी ऑफ हिज कंट्री। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका एंड ऑप्शन डी इज रशिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। आप लोगों को करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से मुझे पता है कि आप लोगों ने मंगाया है, तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। बुक्स और ऑथर हैं, तो बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स जो लिखा है ये शशि थरूर जी ने लिखा है। ठीक है, शुगी बैन ये डोगलस ट्रॉट ने लिखा है, बाकी आप देखना है, इट हैपेंस बश्वर मुखर्जी, बाकी आप देख लेना। इसका आंसर आप देखो तो 95 का हो जाएगा, 95 का आंसर हो जाएगा सीधा सी। आगे देख लेते हैं 96। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ट्राइपिड स्ट्रगल दैट टुक प्लेस टू कंट्रोल द गंगेटिक रीजन। चलक्य ऑफ फेंगी, गुजरात प्रतिहार्स, ऑप्शन सी पालास एंड ऑप्शन डी अष्टकूट। तो ये जो
ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था, इसमें चालुक्य का कोई रोल नहीं था। ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो हो रहा था किनके बीच में हो रहा था, इन तीनों के बीच में हो रहा था, गुजरात प्रतिहार्स, पालास एंड राष्ट्रकूट। गुजरात प्रतिहार्स जो थे ये क्या थे, ये राजपूत रूलर्स हुआ करते थे। आगे देखते हैं 97 विद द रेफरेंस टू पाला ऑफ बंगाल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द राइट करेक्ट। गोपाला लेड फाउंडेशन ऑफ दिस डायनेस्टी, बिल्कुल सही बात है। द पाला किंग वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, जैनिज्म को फॉलो नहीं करते पाला रूलर्स, बट दे आर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड इस्लाम फर्स्ट अपीयर्ड इन द बंगाल ड्यूरिंग दिस ड्यूरिंग द पाला रूलर। तो स्टेटमेंट सेकेंड को आप गलत कर दो, इसका आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 विद द रेफरेंस टू हरप्पन सिविलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। इट वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, बिल्कुल सही है। दे हैव एक्सलेंट ड्रेनेज सिस्टम, ये बात भी सही है। दे वर फैमिलियर ऑफ कॉपर ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड एंड आयरन, तो ये गलत हो जाएगा, आयरन से तो अवेयर नहीं थे ना वो, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड को आप गलत कर दो, आप थर्ड को गलत कर दोगे आंसर आपको मिल जाएगा 1 and 2 A। 99 क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अर करेक्ट। जागीरदारी सिस्टम वॉज सिस्टम ऑफ असाइनमेंट ऑफ रिवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर टेरिटरी टू द नोबल्स फॉर देयर सर्विस टू द स्टेट, ये बात सही है। स्टेटमेंट टू, जमींदार्स वर ओनर ऑफ द ऑल द लैंड्स कंप्राइजिंग हिज जमींदारी, तो ये गलत हो जाएगा, सारे लैंड की जमीन के ओनर नहीं हुआ करते थे। इन केस अगर किसान के पास जमीन है और वो रिवेन्यू नहीं दे पा रहे जमींदार को, तो ऐसे केसेस में ऐसा होता था कि फाइनली वो जो लैंड का टुकड़ा हुआ करता है जिस पे किसान खेती करता था वो जमींदार ले लिया करता था, ठीक, और ये जो जमींदारी थी वो हेरिडिटरी चली आ रही थी। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, क्योंकि सेकंड ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 100 विद द रेफरेंस टू जहांगीर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। ही मैरिड मेरू निसा एंड गेव हर टाइटल नूरजहां, बिल्कुल सही है। द सिख गुरु अर्जुन देव बेहेड ड्यूरिंग द हिज रीजन, ये बात भी सही है। द ब्रिटिश विजिटेड मछलीपट्टनम ड्यूरिंग हिज रीजन, ये तो बिल्कुल सही है, मॉडर्न हिस्ट्री आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर है डी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। तो गाइस अभी ये 100 क्वेश्चन थे, बैकग्राउंड नॉइज को आप इग्नोर करना क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बाकी आप सॉल्व करो, मैं फटाफट दूसरा वीडियो भी आपको डिलीवर करता हूँ रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चन है। तो अभी के लिए थैंक्स ऑल।